वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। अभी हमें डे थ्री में मनाली में पहुंच गए हैं सिलोंग वैली और अभी जाएंगे सीधा स्नो पॉइंट पे। दिखाता हूँ आपको सिलोंग वैली सबसे पहले, फिर अटल टनल, कई सारे जो पॉइंट है वो इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कब आएंगे सर? ये देखिए जी, ये समझो सिलोंग वैली यहाँ से शुरू हो गया और अच्छा खासा जाम लगा हुआ है कुछ ऐसा। यहाँ पे अंजनी महादेव टेम्पल जो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। ये भाई सिलोंग वैली, देखो कोई बर्फ नहीं है यहाँ पे अभी, बाकी आते हुए अच्छे से देखेंगे ऊपर तक जाके कैसे है। अटल टनल तो बहुत ही लगे वगैरह के लिए बना रखा होगा। ये कैसी है? और भाई पहुंच गए अटल टनल, बर्फ दिख रही है बच्चे वाली। और ये इधर ब्रो, इसका मतलब यहाँ से रास्ता नहीं बन रहा था, टनल बना दी ना। ये है असली वाली, देख दिख रही हो? अटल टनल रोहतांग आ गई ना, शुरू हो गई। देखो ये भैया दुनिया की सबसे लंबी है ना, और सबसे ऊंची भी है, नहीं सबसे हाइट पे और सबसे लंबी टनल जो है दुनिया में वो ये है अटल टनल जो अब शुरू हो रही है। मेरे ख्याल से 9 किलोमीटर की है, 9.9 यानी करीब 10 किलोमीटर हो गया। अच्छा तो अटल टनल में प्रवेश है। यार ये तो बनी हुई अच्छी हुई है ना भाई, जैसे वो हमारी आते हुए पहले टनल आई थी वो तो एकदम ऐसी सड़ी हुई सी थी, खराब सी। तो इसमें देखो ये कैसी आ रही है ना। अच्छा ये इसमें स्पीड का लगा हुआ है 40 किलोमीटर का, इसके ऊपर पहाड़ है। तो इसमें तो कैमरे वैमरे भी लगे होंगे सारे ना, सेंसर भी होंगे, क्योंकि अंदर तो पुलिस है नहीं कोई। मान लो यहाँ कोई स्पीड से भगा रहा हो तो उसका चलान होता है कैसे? यहीं पे ही चलान आएगा, ऑनलाइन है भाई। अच्छा ऑनलाइन हो जाएगा चलान अगर कोई स्पीड से भगा रहा है तो इसको। और मेरे ख्याल से पैदल पैदल तो इसमें अलाउड ही नहीं होगा किसी भी तरीके से जाना ना, बाइक अलाउड है? बाइक अलाउड है। और जो कहते हैं ना टनल बंद हो गई, उसका क्या सीन है कि टनल कब बंद होती है? कई बार ऐसा कहते ना टनल बंद हो गई है, कब होती है? 3:30-4 बजे कर देते हैं, 3 बजे कर देते हैं। अच्छा जब ज्यादा बर्फ पड़ती है जब होती होगी एक तो, है ना? आज गलत कर देते बीच बीच में ट्रैफिक के हिसाब से, ज्यादा ट्रैफिक हो तो, है ना, फिर खोलते रहते होंगे थोड़ी थोड़ी देर में।
कई बार खोलते नहीं भाई जी, गाड़ियाँ निकाल देते उधर साइड से निकलो। अच्छा कहीं और से निकाल देते हैं? उधर से निकाल देंगे सारी गाड़ियाँ। अच्छा अच्छा, ये लिखा हुआ है 60 का क्या मतलब? 60 की स्पीड? 60 की स्पीड भाई। अच्छा जैसे पीछे 40 लिखा हुआ था ना ओपन में, और निकलते और जैसे घुसते ही 40 की। अच्छा अब ये समझ लो ये हम पूरे पहाड़ के नीचे हैं एक तरीके से ना, ये बिल्कुल अलग चीज है। कुछ ऐसा ना भी कि बहुत घूम के आना पड़ता था यहाँ पे मेरे ख्याल से, रोहतांग के अलावा और कोई रास्ता नहीं था ना इधर का। ये जो रास्ता है ना इसका पीछे का क्या बोलते हैं, ले है ना, ले जो रीजन है वो पूरा कट जाता था इसमें से। ये होने के बाद ये ओपन रहता है मतलब, नहीं तो फिर वो रोहतांग पास बंद हो गया तो वो रास्ता कट गया पूरा का पूरा 6 महीने बाद। हाँ 5-6 महीने के लिए उधर कोई रास्ता नहीं बचता था, अब यहाँ ये परमानेंट चालू रहता है। अब ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट बंद हो जाएगा। कोई परमिट तो नहीं चाहिए होता जैसे रोहतांग के लिए चाहिए होता है? यहाँ तो नहीं ना कुछ भी, आगे काटते 300 रुपए। कहाँ पे? टंडल क्रॉस करते। अच्छा प्राइवेट गाड़ी का। और जो ये हिमाचल वाली टैक्सी है इनका तो फिक्स होता होगा जो भी होता होगा आपस में टैक्स में ही भाई। अच्छा पूरे साल का भरती। अच्छा पूरे साल का भरा जाता है। ये इसको भी बीआरओ ने बनाया मेरे ख्याल से ना। वैसे पहाड़ों पे बीआरओ है ना बहुत जबरदस्त काम कर रही है, जो हाईवे निकाल दिए है ना, टनल वगैरह जो बन रही है सारी की सारी चीजें, हाईवे भी अच्छे अच्छे बन गए अब तो हिमाचल में और इधर जम्मू में। अच्छा ये वैसे तो रुकना अलाउड नहीं होता ना, ये तो खराब हो रही है इसलिए खड़े हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, गैप ही शायद इसलिए दे रखा है। फिर मोबाइल सिग्नल है किसी का यहाँ पे? जियो तो है भाई। वोडाफोन आ रहा है तेरा? नहीं आ रहा, जियो का तो है अंदर सिग्नल पूरा। वोडाफोन का नहीं होता है, टावर ही नहीं है। वोडाफोन का टावर ही नहीं है सर? अच्छा और एयरटेल वगैरह? एयरटेल है, बीएसएनएल भी है मेरे ख्याल से है ना। यहाँ होते भी हैं लोगों के चैनल? बहुत होते हैं, क्योंकि लोग करते तो होंगे हरकत, ऐसा तो है नहीं कि चलान के डर से ना करें। भाई साहब आप देखो क्या खूबसूरत लग रही है ऊपर से, मेरे को लग रहा है छतरी पक्की कर रखी है बिल्कुल है ना। और लाइटिंग देखो कितनी होगी, हो गए 10 किलोमीटर पूरे? अच्छा ये सही है यार, 9.9 किलोमीटर कंप्लीट एंड आ गया है। वो पहले ही थोड़ी रोशनी बढ़ा दी ताकि बाहर आके ऐसा ना लगे कि ज्यादा हो गया एकदम से। एंड ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट टनल। जो लाहौल वैली है भाई साहब वो यहीं से शुरू हो जाती है ना? अच्छे से हो गई भाई जी, जहाँ से टनल स्टार्ट। अच्छा जहाँ से टनल शुरू होती है वहीं से लाहौल शुरू हो जाता है। ये जाता हूँ उधर बर्फ नहीं मिलेगा, इधर बर्फ मिलेगा। अच्छा वो ये प्लेज उधर साथ में वो जो गाड़ियाँ खड़ी है ना, वहाँ चलते हैं। कहाँ पे? बर्फ तो आपको यही मिलेगा इसी एरिया में, आगे बढ़े आगे तक चले जाओ। बर्फ में एंजॉय कर रहे हैं ना वो लोग, उसी साइड से शिशु में थोड़ा कम मिलेगा ना। और ये हम पहुंच गए भाई अटल टनल के दूसरी साइड, ये वाला जो पॉइंट है यानी लाहौल वैली में, कुछ ऐसा है नजारा अभी का। लो यहाँ तो दिख रही है बर्फ अच्छे से।